अक्सर हम कई गांव और उसके अनोखेपन के बारे में सुनते आ रहे हैं। बिहार में कई ऐसे गांव हैं जो अपने आप में अनोखा है। एक गांव में 250 साल से किसी ने होली नहीं खेला तो एक गांव ऐसा है जहां पर लोग शौचालय नहीं बनवाते। बिहार के मिथिला में तो एक गांव ऐसा है जिसको कलेक्टरों का गांव कहा जाता है। इस गांव में 90% लोग शिक्षित है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे गांव के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर एक भी लोग मैट्रिक पास नहीं है। जी हां, आपको बता दें, ये गांव सारण जिले का है और यहां पर एक भी व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं है। यहां पर बच्चे स्कूल ना जाकर बकरी चराते हैं और अपना भरण पोषण करने के लिए लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। मशरक प्रखंड से इस गांव में कोई भी लोग साक्षर नहीं है। इस आधुनिक युग में भी सरकार के प्रयासों के बावजूद भी मैट्रिक पास एक भी व्यक्ति नहीं है। इस गांव में विद्यालय भी है लेकिन बच्चे विद्यालय ना जाकर बकरी चराने जाते हैं। बिहार में जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो अपनी पीठ थपथपाने में नहीं चूकती कि हमने विकास बहुत किया है, हमने बिहार में शिक्षा को बेहतर बनाया है, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाया है, तो इस तरह के हालात सरकार के विकास के दावों को चिढ़ा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के दक्षिण टोला के यादव टोला गांव के पास बड़ा बसा महादलित टोला बड़ी मुशर टोला गांव में कोई भी व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इस गांव में साक्षर व्यक्ति नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में कोई मैट्रिक पास नहीं है, ये कितना हैरान कर देने वाला मामला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सरकार हमेशा कहती रहती है कि हमने बिहार को बदला है, बिहार को ऊपर उठाया है, हर क्षेत्र में जितने भी नेता है वो गांव गांव घूमकर अपनी वाहवाही करते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हैं, तो फिर उनको इस गांव के बारे में पता कैसे नहीं चला, उन्होंने इस गांव का जायजा क्यों नहीं लिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये गांव मशरक पंचायत और नगर पंचायत कार्यालय से महज 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। करीब 100 घर है इस गांव में। यहां पर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी भी है लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, ज्यादातर लोग मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि करीब 20 साल पहले इंदिरा आवास के तहत घर बनाने के लिए कुछ रुपए आए जो कि भ्रष्टाचार के चलते हमें नहीं मिला और हम घर नहीं बना पाए। वहीं इस गांव की महिला कहती है कि पूरे गांव में 4 चापाकल है जिससे कि ग्रामीणों की प्यास बुझती है। वहीं बहुत ही मुश्किल से नल जल की योजना वहां पर आई लेकिन पानी की टंकी अभी तक नहीं लगी है, जिससे न लगने से गर्मियों में उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव के लोग बुनियादी सुविधा से वंचित है। वहां की महिलाएं बताती है कि अधिकारी भी कुछ नहीं करते। जब चुनाव होता है, नेता अधिकारी बड़े बड़े जितने भी है वो सारे इस गांव में आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस गांव का रास्ता ही भूल जाते हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण इस गांव का हाल बेहाल है। तो ऐसे में हमारी सरकार जो कहती है कि हमारी जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है, तो सुनवाई और कार्रवाई वाले सरकार के दौर में इस तरह इस गांव का हाल कैसे हुआ ये भी बताए सरकार हमें। सिर्फ बड़े बड़े वादे करना और मंच से झूठे वादे करना और बातें करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को इस पर चाहिए कि एक्शन ले और जो भी समस्या है इस गांव में उसको दूर करे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।